बच्चों, हमारे घर में ढेर सारे विद्युत उपकरण हैं और सभी उपकरणों का अपना अपना प्रतिरोध है। अब ये बताइए कि हमारे घर में जितने भी उपकरण होते हैं वो कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं, श्रेणी क्रम या समांतर क्रम? एक दीवार पर लगे लाइन से ट्यूबलाइट को यदि हम देखते हैं तो हमारे दिमाग में ऐसा आता है कि ये सारे ट्यूबलाइट श्रेणी क्रम में जुड़े होंगे, पर वास्तव में ऐसा नहीं होता। हमारे घर में एक ही दीवार पर लाइन से लगे ये अलग अलग ट्यूबलाइट, फैन, ये बल्ब और अन्य उपकरण सभी तारों के साथ स्विच से समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं और सभी उपकरणों में मेन सप्लाई की सहायता से समान वोल्टेज दिया जाता है, पर इन उपकरणों का प्रतिरोध अलग अलग होने के कारण अलग अलग धारा की मात्रा इनमें से प्रवाहित होती है। यदि हम अपने घर में कोई हैवी अप्लायंस ऑन करते हैं तो हमने देखा है कि कमरे की लाइट अचानक डीम हो जाती है कुछ देर के लिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे घर के सारे उपकरण समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, इसलिए जब कोई हैवी अप्लायंस जैसे कि इमर्शन रॉड या हीटर ऑन होता है तो वो अधिक विद्युत ऊर्जा ले लेता है और उस बल्ब को विद्युत ऊर्जा कम मिल पाती है जिसके कारण उसकी रोशनी कम हो जाती है। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमारे घर के उपकरणों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए? यदि सारे उपकरण श्रेणी क्रम में होते तो क्या होता? त्योहारों में हम अपने घर को सजाने के लिए लाइट की लड़ियां लाते हैं। उन लड़ियों में से यदि एक बल्ब भी फ्यूज हो जाता है तो हम देखते हैं कि पूरी लड़ी काम करना बंद कर देती है। तो यदि हमारे घर के सारे उपकरण भी श्रेणी क्रम में जोड़े जाते तो उनमें से कोई एक उपकरण भी खराब हो जाता तो सारे उपकरण काम करना बंद कर देते, और जिस प्रकार उन लड़ियों में हम खोजते रहते हैं कौन सा बल्ब खराब है, उसी प्रकार हम ये खोजते रहते कि किस उपकरण में त्रुटि थी, कौन सा उपकरण खराब हो गया था, और तब तक कि सारे उपकरण काम करना बंद कर देते। इसीलिए ही घर में सारे उपकरणों को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। बच्चों, जब हमने क्रियाकलाप में विभवांतर और धारा के बीच में संबंध स्थापित किया था, उसमें धारा के मान को ज्ञात करने के लिए हमने एमीटर जोड़ा था और विभवांतर के मान को नोट करने के लिए हमने वोल्टमीटर जोड़ा था। परिपथ में हमने एमीटर को श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा था। ऐसा क्यों? क्योंकि एमीटर धारा का मान ज्ञात करता है और परिपथ में बहने वाली धारा के मान को ज्ञात करने के लिए वो पूरी धारा को एमीटर से होकर गुजरना है, इसीलिए एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। और अभी हमने प्रतिरोधों के संयोजन से देखा कि जब हम प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, इसीलिए ही एमीटर का प्रतिरोध कम होना चाहिए ताकि जब उसको हम श्रेणी क्रम में परिपथ के साथ जोड़े तो प्रतिरोध का मान कम हो ताकि एमीटर में से पूरी धारा प्रवाहित हो सके, और इसीलिए एक आदर्श एमीटर का प्रतिरोध शून्य होता है। और वोल्टमीटर को परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जिस प्रतिरोध के सिरों के मध्य विभवांतर निकालना हो उसके साथ वोल्टमीटर समानांतर क्रम में जुड़ा होता है, क्योंकि वोल्टमीटर परिपथ में दो बिंदुओं के बीच में विभवांतर का मापन करता है, और हम प्रतिरोध के सिरों के मध्य यदि विभवांतर का मापन करना चाहते हैं तो इस वोल्टमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ दिया जाता है। समानांतर क्रम में जुड़े होने के कारण यहाँ पर धारा को प्रवाहित होने के लिए दो मार्ग मिल जाते हैं, मतलब धारा अब मुख्य परिपथ से भी प्रवाहित होगी, साथ साथ ये वोल्टमीटर से भी प्रवाहित होगी। अब हम जानते हैं कि समानांतर क्रम में प्रतिरोधों का जब संयोजन किया जाता है तो कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है, इसलिए जो वोल्टमीटर जोड़ा जाना चाहिए उसका प्रतिरोध अधिक होना चाहिए ताकि उस परिपथ में से धारा प्रवाहित ना हो, पूरी धारा इस प्रतिरोध के अंदर से ही प्रवाहित हो जिसके सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात करना है। और यूं कहें तो आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध तो अनंत होता है, तो इसीलिए ही एमीटर को सदैव श्रेणी क्रम में और वोल्टमीटर को सदैव समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। अब किसी भी विद्युत परिपथ से धारा प्रवाहित होती है तो हमने देखा कि वह उपकरण, वह परिपथ गर्म हो जाता है,
हम बहुत देर के लिए किसी भी विद्युत उपकरण का इस्तेमाल करते हैं और बाद में उसको छूते हैं तो वह उपकरण गर्म हो जाता है। बच्चों, जब आप अपने मोबाइल को चार्जिंग में लगा देते हैं और उसके बाद उसको छूते हैं तो वो हमको गर्म लगती है। जब बहुत देर तक चार्जिंग में लगाया गया होता है तो वो ज़्यादा गर्म हो जाती है। इसका मतलब वहाँ पर ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, तभी तो वो मोबाइल गर्म हो गया। पर हम जानते हैं कि ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है और ऊर्जा संरक्षण के नियम से ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है ना ही नष्ट की जा सकती है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। इसका मतलब वहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा उत्पन्न नहीं हो रही है, ये किसी दूसरे रूप से ही वहाँ पर आई है। यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा विद्युत ऊर्जा से ही रूपांतरित हुई है। जब आप चार्ज करने के लिए मोबाइल को विद्युत स्रोत में लगाते हैं तो वहाँ से जो विद्युत ऊर्जा होती है वो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में परिवर्तित होती है, यानी कि धारा का ऊष्मीय प्रभाव है। किसी भी वस्तु से हम धारा को प्रवाहित करते हैं तो वो गर्म होने लगती है। हमने देखा कि मोबाइल को ज़्यादा देर तक चार्जिंग में लगाया गया, यानी कि ज़्यादा देर तक जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की गई, विद्युत ऊर्जा दी गई, तो वो ज़्यादा गर्म हो गया। इसी प्रकार यदि हम अलग अलग वस्तुओं को देखें तो कोई ज़्यादा गर्म हो जाती है, कोई कम गर्म हो जाती है। अलग अलग वस्तु मतलब उसका प्रतिरोध अलग अलग होगा। और विभिन्न प्रयोगों के आधार पर जूल ने यह बताया कि किसी भी वस्तु में धारा के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा किन किन कारकों पर निर्भर करती है। सबसे पहला, ऊष्मीय ऊर्जा धारा के मान पर निर्भर करती है। कैसे? उत्पन्न होने वाली ऊष्मीय ऊर्जा जिसको हम H से दर्शा रहे हैं, यानी कि हीट, वो समानुपाती होती है धारा के वर्ग के, साथ ही वो समानुपाती होती है उस वस्तु के प्रतिरोध पर। तो हम लिख सकते हैं H समानुपाती है R के, साथ ही वो निर्भर करती है समय पर, कितने समय के लिए धारा को प्रवाहित किया गया। तो हम लिख सकते हैं H समानुपाती है T के। इन तीनों समीकरणों को यदि हम कंबाइन करें तो हम लिख सकते हैं H समानुपाती है I स्क्वायर R T। समानुपाती का चिन्ह हम यदि हटाते हैं तो वहाँ पर एक नियतांक लिखते हैं, और SI मात्रक में जब इसका कैलकुलेशन किया जाए तो यह मान एक होता है। तो हम लिख सकते हैं H बराबर I स्क्वायर R T। और इस समीकरण की सहायता से हम यह ज्ञात कर सकते हैं कि कितनी ऊष्मीय ऊर्जा वस्तु में उत्पन्न होगी। ये मेन फॉर्मूला है। यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा धारा, प्रतिरोध और समय के आधार पर दी गई है। पर मान लीजिए हमको इस सूत्र में विभव अंतर लाना है तो हम यहाँ पर ओम का नियम लिखेंगे, V इक्वल टू आई आर, और यहाँ से R बराबर हो जाएगा V अपॉन I। R के स्थान पर यदि मैं V अपॉन I लिखूँ तो यह सूत्र बन जाएगा H इक्वल टू आई स्क्वायर V अपॉन I इंटू T। I और I को कैंसिल करेंगे तो H इज इक्वल टू होगा V आई T। और ये एक ऐसा सूत्र है जिसमें विभव अंतर भी है, धारा है और समय है। तो हम दोनों ही सूत्रों का इस्तेमाल करते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जब अलग अलग मान दिए जाते हैं तो हम इन दोनों में से किसी एक सूत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण 4, किसी 4 ओम प्रतिरोध से प्रति सेकंड 100 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है, प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर ज्ञात कीजिए। हल, प्रश्न में हमें विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है और हम जानते हैं कि विभवांतर V बराबर होता है I R, जहां I विद्युत धारा है और R प्रतिरोध है। तो विभवांतर ज्ञात करना है जिसके लिए हमें विद्युत धारा के मान ज्ञात करना विभवांतर ज्ञात करना है तो V बराबर I R से हमें R का मान भी चाहिए और I का मान भी। प्रश्न में हम देखते हैं कि हमें R का मान दिया गया है 4 ओम और ऊष्मा H बराबर हमें दिया गया है 100 जूल। तो पहले हम
एच और आर की सहायता से आई का मान ज्ञात कर लेते हैं और उससे हम विभवांतर ज्ञात कर पाएंगे। तो हम जानते हैं कि जूल के तापन के नियम के अनुसार H बराबर होता है I स्क्वायर R T, जहाँ I जो है वो विद्युत धारा है, R प्रतिरोध है और T समय है। चलिए हम मान रख लेते हैं, H का मान हमारे पास 100 जूल दिया हुआ है, I का मान हमें ज्ञात करना है, प्रतिरोध हमारे पास है 4 ओम और प्रति सेकंड कहा गया है, इसलिए T का मान 1 हुआ। अब यहाँ से I का मान ज्ञात करने के लिए हम इसे लिख सकते हैं I स्क्वायर बराबर, मान रख लीजिए 100/4, तो I स्क्वायर का मान हो गया 25 और इस प्रकार I जो है वो हमें मिलेगा 5 एम्पियर। चलिए आगे हल करते हैं। तो जैसा कि ओम के नियम के अनुसार हम जानते हैं के नियमानुसार V बराबर आई आर, जहाँ अब हमारे पास I का मान है 5 और प्रतिरोध दिया गया है 4 ओम, यानी कि विभवांतर हमें मिला 20 वोल्ट का। इस प्रकार प्रश्न हल हुआ। तो इस प्रकार हमने जाना कि विद्युत ऊर्जा अन्य ऊर्जा के रूप में परिवर्तित हो सकती है। यहाँ पर विद्युत ऊर्जा का अन्य ऊर्जा में परिवर्तन की दर को ही हम कहते हैं विद्युत शक्ति। यहाँ पे विद्युत ऊर्जा का व्यय हो रहा है, या यूं कहे व्यय नहीं बल्कि विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में हो रहा है। हम जानते हैं शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय। यहाँ पर एक ऊर्जा का दूसरे ऊर्जा में रूपांतरण में जो कार्य हो रहा है उसकी दर को ही हम विद्युत शक्ति कहेंगे। इस प्रकार विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला हो जाएगा कार्य बटे समय। कार्य का मात्रक होता है जूल और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ पर जूल प्रति सेकंड विद्युत शक्ति का मात्रक होगा और जूल प्रति सेकंड को हम नए नाम से पुकारते हैं, वो है वॉट। अब इसी सूत्र में हम कार्य का फॉर्मूला लिखें। कार्य यानी कि यहाँ पर ऊष्मीय ऊर्जा में परिवर्तन। ऊष्मीय ऊर्जा कितनी उत्पन्न हो रही थी ये जूल के नियम के अनुसार हमने जाना, एच इज इक्वल टू वी आई टी। तो यहाँ पर हम W इज इक्वल टू लिखेंगे वी आई टी और इस प्रकार यहाँ मान लिखने पर हमें मिलेगा P इज इक्वल टू वी आई टी अपॉन टी और P इज इक्वल टू हो जाएगा V इंटू आई। तो इस तरह से यहाँ पर हम देखें तो वॉट बराबर होता है वोल्ट इंटू एम्पियर, या यूं कहें जूल प्रति सेकेंड। अब इसी सूत्र से हम W बराबर देखें तो P इंटू टी होगा, यानी कि विद्युत ऊर्जा बराबर होगी विद्युत शक्ति इंटू समय। तो विद्युत ऊर्जा का मात्रक हो जाएगा वॉट इंटू सेकेंड, पर ऊर्जा उसका मात्रक होता है जूल, यानी कि विद्युत ऊर्जा के मात्रक जूल को वॉट इंटू सेकेंड लिख सकते हैं। पर हमारे घरों में जो बिजली का बिल आता है उसमें विद्युत ऊर्जा की खपत बताई जाती है और ये विद्युत ऊर्जा की खपत यूनिट्स में होते हैं। यूनिट अब क्या ये विद्युत ऊर्जा का नया मात्रक है? एक्चुअली यूनिट विद्युत ऊर्जा का बड़ा मात्रक है। जब हम एक यूनिट निकालते हैं इसका मतलब यहाँ पर हम वॉट और सेकंड नहीं लेते, वॉट के स्थान पर किलोवाट लेते हैं और सेकंड के स्थान पर हम घंटे लेते हैं। तो एक यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट घंटा। एक्चुअली विद्युत ऊर्जा का मात्रक तो जूल ही है, पर हमने बड़े मात्रक का इस्तेमाल किया किलोवाट घंटा। तो इस किलोवाट घंटा और जूल में क्या संबंध है? तो हम किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे, यानी कि 1 किलोवाट बराबर हो जाएगा 1000 वाट। अब हम घंटे को सेकंड में चेंज करें
तो एक घंटे में 60 मिनट होते हैं और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो एक घंटा बराबर होगा 60 × 60 सेकंड, यानी कि 3600 सेकंड। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3600 सेकंड। वॉट सेकंड मतलब तो होता है जूल, यानी कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होगा 36 × 10⁵ जूल, या फिर 3.6 × 10⁶ जूल। हमारे घरों में बहुत सारे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस इस्तेमाल होते हैं और ये सब इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अलग अलग समय के लिए चलते हैं। कोई ज़्यादा देर के लिए चलता है, कोई कम देर। जैसे हम लाइट, पंखा, टीवी, फ्रिज, कूलर, ये अलग अलग समय के लिए इस्तेमाल करते हैं। सभी विद्युत ऊर्जा का व्यय कर रहे हैं, तो जब बिजली का बिल आता है, यानी कुल विद्युत ऊर्जा की खपत निकाली जाती है, तो सभी उपकरण द्वारा व्यय की गई ऊर्जा को टोटल निकाला जाता है। अब ये बिजली का बिल महीने में एक बार आता है, तो इसके आधार पर हम एक नया सूत्र तैयार कर सकते हैं, जिससे कि हम हमारे घर में होने वाली विद्युत ऊर्जा की खपत को यूनिट में कैलकुलेट कर सकें। ये फॉर्मूला है उपकरणों की संख्या × विद्युत शक्ति × समय × दिन / 1000। क्योंकि अलग अलग उपकरणों की विद्युत शक्ति भी अलग अलग है, अलग अलग उपकरण अलग अलग समय के लिए भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और अलग अलग महीने में अलग अलग दिन भी होते हैं। जैसे कि फरवरी के महीने में 28 दिन, जनवरी में 31 दिन, मार्च में 30 दिन, तो इसके आधार पर बिजली का बिल भी अलग अलग आता है। इसको अच्छी तरीके से समझने के लिए एक अंकिक प्रश्न बनाकर देखते हैं। प्रश्न: एक घर में प्रतिदिन 60 वॉट के 4 बल्ब 4 घंटे और 80 वॉट के 2 पंखे 10 घंटे के लिए चलाए जाते हैं, तो इस घर में एक महीने यानी कि 30 दिन के लिए खर्च होने वाली बिजली का मूल्य बताएं। यदि प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 2 रुपए है। हल: यहां पर जो विद्युत उपकरण दिया गया है वो है एक बल्ब और दूसरा पंखा। पहले बताया गया है कि 4 बल्ब 4 घंटे प्रतिदिन जलाए जाते हैं और 30 दिन के लिए व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा हमें ज्ञात करनी है, जिसके लिए प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 2 रुपए दिया है। तो हम जानते हैं कि व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर होता है बराबर सबसे पहले विद्युत उपकरणों की संख्या गुणित विद्युत उपकरण की शक्ति गुणित समय और साथ में दिनों की संख्या पूरे के बटे एक हजार। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि विद्युत उपकरण की संख्या, यानी यदि हम बल्ब की बात करें तो कितने बल्ब का प्रयोग हो रहा है? 4 बल्ब। कितने वॉट का बल्ब है? 60 वॉट का। 4 घंटे प्रतिदिन और कितने दिनों के लिए? 30 दिनों के लिए। यानी हम यहां पर व्यय विद्युत ऊर्जा यदि हम बल्ब के लिए निकालेंगे तो हमें कितना मिलेगा? सभी मान हम यहां पर रख देते हैं तो हम कहेंगे कि 4 बल्ब हैं, उनकी शक्ति 60 वॉट 4 घंटे के लिए और 30 दिनों तक बटे 1000। इसे हल कर लें तो हमें मिलेगा, यदि हम 10 के पहाड़े का प्रयोग करें तो यहाँ पर 100 बार 3 10 दिया 30, उसके बाद पुनः 10 के पहाड़े से यदि हल करें तो ये होगा, पुनः यदि हम 10 के पहाड़े का प्रयोग करें तो 10 दहम 100 और ये जाएगा 6 बार में, इसके बाद
फिर से हम इसे हल कर सकते हैं दो के पहाड़े से, तो दो पंचे दस और दो तिया छः। चलिए इसको हल करने पर सरलतम रूप हमें क्या मिलेगा, चार गुणित तीन गुणित चार गुणित तीन पूरे के बटे पाँच, जो हल करने पर मिलेगा 28.8 किलोवाट घंटा। तो बल्ब के द्वारा जो 30 दिन में विद्युत ऊर्जा जो व्यय हो रही है वो है 28.8 किलोवाट घंटा। चलिए अब हम पंखे के लिए देखेंगे। चलिए आगे हल करते हैं और अब हम ये देखेंगे कि पंखे द्वारा 30 दिनों में कुल विद्युत व्यय जो हो रहा है वो कितना हो रहा है। इसके लिए पुनः सूत्र वही उपयोग करेंगे हम, और सूत्र में मान रखने के लिए हम लिखेंगे व्यय विद्युत ऊर्जा बराबर विद्युत उपकरणों की संख्या, यानी कि दो पंखे हम ले रहे हैं तो दो गुणित पंखों की शक्ति, वो कितने वॉट के हैं, 80 वॉट के, और समय जो है वो 10 घंटे के लिए और दिन 30 दिन बटे 1000। चलिए इसे भी सरल कर लें, तो पुनः हम 10 के पहाड़े से करें तो यहाँ हमें मिलेगा 100 और 10 एकम 10, फिर से 10 के पहाड़े का प्रयोग करें तो ये 10 बार में जाएगा और ये 3 बार में। इसके पश्चात पुनः 10 से पहाड़े से करेंगे तो 10 एकम 10 और ये जाएगा 8 बार में। तो इस प्रकार हमें मिल रहा है 2 गुणित 8 गुणित 3, तो इसे सरल करने पर हमें मिलेगा 8 दूनी 16 तिया 48 किलोवाट घंटा। तो बल्ब के लिए हमने पहले विद्युत ऊर्जा ज्ञात की जो व्यय हो रही है, और उसके बाद पंखे के लिए, तो कुल व्यय विद्युत ऊर्जा जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 28.8 किलोवाट घंटा हमें मिला था बल्ब से और 48 मिला है हमें पंखे से, तो ये कुल हो गया 76.8 यूनिट। इसके साथ ही प्रश्न में दिया हुआ है कि प्रति यूनिट बिजली जो है उसका मूल्य है 2 रुपये, तो 76.8 यूनिट के लिए हमें इसे ज्ञात करना होगा। तो हम लिखेंगे कि प्रति यूनिट बिजली जो है वो, प्रति यूनिट बिजली का मूल्य 2 रुपये, इसलिए 76.8 यूनिट के लिए ये हो जाएगा 2 गुणित 76.8, यानी कि हमें प्राप्त होगा 153.6 रुपये कुल खर्च। इस प्रकार यह प्रश्न हल हुआ। उदाहरण 4। तो आइए बच्चों, हम अपने घर के विद्युत परिपथ के बारे में जानें। हमारे घर में जब सप्लाई दी जाती है तो रोड पर लगे बिजली के खंभे से एक तार खींचा जाता है, उस तार को हम मेन लाइन कहते हैं। हमारे घर में भी 3 तारें होती हैं, एक फेस, एक न्यूट्रल और एक अर्थिंग। फेस यानी कि विद्युतमय तार होता है, इसी से ही सप्लाई उपकरणों को दी जाती है। न्यूट्रल के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ये एक ऐसा तार होता है जो इसमें कि आवेश नहीं होता, ये न्यूट्रल होता है। और तीसरे प्रकार की तार होती है भू तार, जिसके जरिए अर्थिंग दिया जाता है। जब आप अपने घर में सॉकेट को देखेंगे जिसमें से इनपुट लिया जाता है, उसमें आपको 3 छोर दिखेंगे, एक कहलाता फेस और एक न्यूट्रल। फेस में यदि हम टेस्टर डालते हैं तो वो जल जाता है, न्यूट्रल में डालते तो नहीं जलता, क्योंकि एक विद्युतमय तार है जिसके कारण टेस्टर जलेगा, एक अनावेशित है जिसके कारण टेस्टर नहीं जलता, और ऊपर वाला जो छिद्र होता है वो कनेक्शन दिया जाता है अर्थिंग के लिए। एक्चुअली अर्थिंग जो है उपकरणों को अधिक वोल्टेज आने के समय क्षतिग्रस्त होने से बचाने के लिए लगाया जाता है। अर्थ जो है यानी कि पृथ्वी, वो बहुत बड़ा चालक है,
उसको जितना भी आवेश दे दिया जाए वो सारा आवेश उसमें चला जाता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। इसलिए जब वोल्टेज अप डाउन की स्थिति होती है, बहुत ज़्यादा वोल्टेज हो जाता है, तो वो वोल्टेज बहुत अधिक धारा को प्रवाहित कर देता है। यदि बहुत अधिक धारा हमारे घर में आ जाएगी तो सारे उपकरणों को जब हम छुएंगे तो उसमें करंट लगेगा, हमको झटके लगेंगे। इसलिए हम अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं ताकि वो झटके हमको महसूस ना हो। अब जब बिजली के खंभे से सप्लाई यानी कि वोल्टेज हमारे घर तक दी जाती है तो कभी कभी वोल्टेज फ्लक्चुएशन हो जाता है, यानी वोल्टेज का मान अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। जब ये अधिक बढ़ा हुआ मान हमारे उपकरणों को पहुँचे तो उपकरण क्षतिग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि हमारे घर के उपकरण 220 से 240 वोल्ट में ही काम करने के आदि होते हैं। तो जब इनको अधिक वोल्टेज दिया जाए तो ये क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। तो इस क्षतिग्रस्त से बचाने के लिए हम अपने घर में मेन तार पर, मेंस में एक वायर का इस्तेमाल करते हैं जिसको हम लोग फ्यूज तार कहते हैं। आपने देखा होगा आपके घर में जहाँ पर सप्लाई आती है वहाँ मीटर में एक छोटा सा चीनी मिट्टी का उपकरण लगाया जाता है, और जब आप इसको खोलकर देखेंगे तो इसके बीच में एक तार होती है, यही तार फ्यूज तार है। ये कोई भी साधारण तार नहीं होती। जनरली कभी लाइट चली जाती है और हम इस चीनी मिट्टी के उपकरण को खोलकर देखते हैं, उसके बीच में से तार टूटी हुई होती है, तो हम कोई भी तार लोहे की तांबे की ला के उसमें डाल देते हैं और उसको वापस जोड़कर घर की बिजली को वापस ले आते हैं। लेकिन ये करना खतरनाक है, क्योंकि जो तार आपने लगाया वो उचित है या नहीं आपको उसके बारे में नहीं पता। तो क्या होगा जब मेन सप्लाई से अधिक वोल्टेज भी आ जाएगा तो हो सकता है वो तार पूरे वोल्टेज को प्रवाहित कर दे और आपके घर के सारे उपकरण खराब हो जाएं। इसलिए जो फ्यूज तार होता है इसकी एक विशेषता होती है, इसका गलनांक कम होना चाहिए और इसकी चालकता अधिक होनी चाहिए। इसलिए इस फ्यूज तार को बनाने के लिए हम कोई एक धातु ना लेके मिश्र धातु का उपयोग करते हैं। जब ये फ्यूज तार को लगाया जाता है, और इस फ्यूज तार का यह गुण है कि ये 5 एम्पियर तक की धारा को अपने अंदर से प्रवाहित होने दें, क्योंकि घर के सारे अप्लायंसेस 5 एम्पियर की धारा तक काम करते हैं। यदि हम बड़े बड़े फैक्ट्रियों की बात करें तो वहाँ पर 10 एम्पियर की धारा इस्तेमाल होती है। तो जब बड़े फैक्ट्रियों के लिए फ्यूज तार लगाया जाएगा तो वो 10 एम्पियर तक के धारा को प्रवाहित करने वाला होगा, पर घर में जो हम लगाते हैं वो 1 से 5 एम्पियर की का फ्यूज तार लगाया जा सकता है। तो जब धारा इसमें से प्रवाहित होती है तो चूंकि ये चालक ही है, ये मिश्र धातु का बना है, तो धारा को प्रवाहित करता है। लेकिन यदि 5 से अधिक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है वोल्टेज फ्लक्चुएशन के केस में, उस समय पर ये फ्यूज तार कम गलनांक होने के कारण गल जाएगा, यानी कि ये परिपथ भंग हो जाएगा, टूट जाएगा। जब परिपथ भंग होगा तो आगे धारा प्रवाहित नहीं होगी, भले कुछ देर के लिए हमारे घर की बिजली चले जाएगी, हमारे घर के सारे उपकरण सुरक्षित रहेंगे। फिर हम नए फ्यूज तार का इस्तेमाल करके उसको फिर से जोड़ के अपने घर की बिजली वापस ला सकते हैं। ये चीनी मिट्टी के उपकरण को हम निकाल के अपनी मर्जी से कोई भी तार लगा देते थे, जो कि खतरनाक हुआ करता था। इसलिए आजकल इसके स्थान पर हम MCB का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम लोग मिनिएचर सर्किट ब्रेकर के नाम से जानते हैं। और जब अत्यधिक वोल्टेज आता है तो ये MCB अपने आप ट्रिप हो जाता है। आपने देखा होगा कि जब घर में विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, सारे उपकरण जल रहे हैं, उस समय MCB की पोजीशन जो रहेगी वो ऊपर की तरफ रहती है, इसका स्विच ऊपर की तरफ रहता है। लेकिन अत्यधिक धारा जब इसमें से प्रवाहित हो जाती है बहुत अधिक वोल्टेज होने के कारण, तो ये अपने आप ट्रिप होकर नीचे की ओर गिर जाता है। फिर बाद में हम जाकर इसको जैसे ही ऊपर की ओर उठाते हैं फिर घर की बिजली वापस आ जाती है। तो देखा आपने हम किस प्रकार फ्यूज तार का इस्तेमाल करके अपने घर के उपकरणों को वोल्टेज फ्लक्चुएशन के समय क्षतिग्रस्त होने से बचा सकते हैं। वैसे विद्युत परिपथ में हमको कुछ और सावधानियां भी रखनी चाहिए, जैसे कि स्विच और प्लग सारे कसे हुए होने चाहिए। अगर कहीं से ढीले होंगे और उसको हम छू दिए तो विद्युत झटके लगने के चांसेस होते हैं। जो भी तारें होती हैं वो विद्युत रोधी परत की होनी चाहिए,
हम लोग देखते हैं कि तांबे की तार होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग रहती है, तो ये कवरिंग अच्छे से होने चाहिए। कभी कभी जो तार होते हैं वो डैमेज रहते हैं, और यदि इस तार के ऊपर की विद्युत रोधी परत यदि डैमेज हो जाती है तो इन क्षतिग्रस्त तारों को तुरंत बदल देना चाहिए, क्योंकि वोल्टेज फ्लक्चुएशन के समय यहाँ से विद्युत धारा लीक हो सकती है, जिससे हमको झटकों का अनुभव हो सकता है। जब भी दुर्घटना हो तो सबसे पहले हमको मेन सप्लाई से जुड़े स्विच को बंद करना है, यानी कि MCB को जाके बंद करना है, ताकि दुर्घटना से आसानी से बचा जा सके। साथ ही उचित क्षमता के फ्यूज तार का इस्तेमाल करना चाहिए। घर में अर्थिंग दी जानी चाहिए, और कभी भी विद्युत उपकरण के साथ काम करें तो अपने गीले हाथों से ना करें। विद्युत उपकरण के साथ काम करें तो हमेशा विद्युत रोधी पदार्थ पर ही खड़े होकर काम करें, जैसे कि लकड़ी की टेबल या प्लास्टिक की चेयर, या फिर पैरों पर चप्पल ज़रूर पहने, वो भी रबर के। तो इस प्रकार हम अपने घर में भी इन सावधानियों को रखते हुए दुर्घटनाओं से बच सकते हैं।